नहीं हमको इसमें दे दीजिए, नहीं ठीक था। नहीं लोटा दीजिए, लोटा में देखिए, लोटा में आज ढहा रहा है, हम लोटा में आधा लोटा हो चुका है मेरा, दोनों भाई पी के तंदुरुस्त हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, पंकज मगन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि देखिए अभी गिरा हुआ था एक बेल और लेके आए हैं, और ये भाई हैं, क्या नाम इनका, नाम तो नहीं पता, बाकी चलिए बात पूछते हैं जैनी से। जैनी नाम है जी, जैनी से। और इनका जो अभी एडमिट कार्ड नहीं लिए थे, आज पहला एग्ज़ाम है। हाँ। और ये चीज़ तो आपको नहीं पता होगा या पता है, 8 तारीख को जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ था, ज्योग्राफी वो कब जाना है? ज्योग्राफी ज्योग्राफी सामने यहाँ पे देखिए, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट यही है, मैनेजमेंट के बगल वाला, मैनेजमेंट के अंदर जाइएगा ना, सेकंड फ्लोर पे ज्योग्राफी है। तो इनका एडमिट कार्ड ले लिए हैं, और बहुत लोगों को नहीं पता है या पता भी होगा, आज एग्ज़ाम देने आए हुए हैं सब लोग, हो सकता है वहाँ होंगे, क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी के पास, क्योंकि एडमिट कार्ड में भी जो लिए हैं तो लाइब्रेरी दिया हुआ है, बट रियल में कहाँ है? रियल में तो ये फिजियोथेरेपी वाला, फिजियोथेरेपी के पास है, और एग्ज़ाम देने आए हैं ये। अब बहुत अभी एग्जाम फर्स्ट सिटिंग चल रहा है, आपका सेकंड में है ना? जी जी। कहाँ से आए हैं आप? तो वारसलीगंज से आए हैं। वारसलीगंज से जो भाई आए हुए हैं, और देखिए बोलने में कोई देर नहीं है, यही आपका है होटल मैनेजमेंट, यही डिपार्टमेंट है, और ज्योग्राफी भी यही है, आपको हम बता दें, ज्योग्राफी और होटल मैनेजमेंट दोनों ये डिपार्टमेंट है। और आगे जाके लगाना चाहिए था होर्डिंग, कम से कम हाँ होर्डिंग तो लगना चाहिए। और आगे हिंदी डिपार्टमेंट है, उसके बाद फिजियोथेरेपी है, तो वहाँ तक इनको छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर बीएड आ जाते हैं, क्योंकि आज वर्कशॉप हो रहा है, कल भी हुआ था, बट किसी कारणवश मेरा एग्ज़ाम था, इसकी वजह से नहीं बना पाया, और थक भी गए, एग्ज़ाम देने के बाद थक आदमी जाता है। तो चलिए इस पहले बेल को शरबत दोनों राहुल भाई हम जाके पी लेते हैं, उसके बाद आएंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे वर्कशॉप। बेल फोड़ेंगे नहीं यार, बेल तोड़ेंगे, ठीक। वो यूनिवर्सिटी में हर एक चीज़ का पेड़ है, बेल का, आम का, सब चीज़ का है। तो चलिए चलते हैं हॉस्टल की ओर। ये बता रहे हैं कौन सा डिपार्टमेंट में जाना है, इनको पता नहीं है। कन्या उत्थान वाला करवाना नहीं आपको हैं? तो आप देखिए, इनको अभी कन्या उत्थान वाला है, हम यहाँ बताते हैं, आप यहाँ से सीधे या तो यहाँ से निकलते हुए देखे, दो लोगों को बता दिए, यहाँ तक कि ये नहीं पता कहीं पर भी। सबसे बड़ा इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है, और हमारे जो भी ये लोग हैं मतलब उनको ये हर एक जगह बोर्डिंग लगा देना चाहिए। बोर्डिंग से क्या होता है, अभी एग्ज़ाम देने आ रहे हैं तो लगभग बहुत लोग ऐसे आ रहे हैं कि उनको डिपार्टमेंट नहीं पता चलता है, डिपार्टमेंट आपको पता नहीं चलता है कहाँ पे कैसे जाना है। ये लंबा सा एक 600 स्क्वायर में फैला हुआ, 600 स्क्वायर बोले 600 एकड़ में फैला हुआ यूनिवर्सिटी है, किसी को ये नहीं पता चलता है किधर जाए। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, हमारे राहुल भाई बना रहे हैं, क्या बना रहे राहुल जी? ये बेल का शरबत बना रहे हैं। क्यों पीना चाहिए बेल का शरबत? गर्मी में बहुत ही फायदेमंद है, और जिस तरह से आजकल टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाई बहुत ही ज्यादा डिहाइड्रेशन हो सकता है किसी को भी, इससे बचाव के लिए ये हम लोगों को करना चाहिए। इसमें क्या क्या डाले हुए हैं? इसमें बेल है और पानी और गुड़ है, गुड़ जिसे कि मीठा भी कुछ लोग कहते हैं, उसका दो नाम है। और पहली बार है कि बेल के साथ हम सब ऐसे ज्यादा चीनी लोग डालते हैं। बिल्कुल हा? लेकिन कहते हैं ना वो कुछ नया करना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। बिल्कुल, तो कुछ नया करने के लिए यहाँ राहुल जी बेल के साथ गुड़ डाले हैं, और ये गुड़ लगभग काम हो चुका है, वो इसका ऊपर का छिलका जो है उसे हमें छान करके बाहर कर देना है सिर्फ, और फिर मजे से पीना है, और इस गर्मी में आनंद उठाना है इसका। कि खाना तो नहीं बना अभी तक, काम चलेगा, आप सब खा के नाश्ता वास्ता हुआ, अभी 2 बज चुके हैं, बट अब देखिए खाना का तैयारी करा जाएगा, खाना ही नहीं हुआ है। और ये पानी और डालिए, थोड़ा सा डालिए, थोड़ा सा गहरा होना चाहिए, बस 1-1 गिलास हो जाए, बहुत है, बहुत है, काफी है। तो आपको दिखाते हैं बनने के बाद, बने रहिए। 50 रुपए देख सकते हैं, 50 रुपए मांग रहा है बंदा, डाल दे रहा है, देख सकते हैं 50 रुपए मांग रहा है, किसी को देना है वो आज है, कथिया है, पार्सल आ रहा है, वो ऑनलाइन भी लेता है, तो देखते क्या चीज का पार्सल मंगाया, चलिए आपको दिखाते हैं, 50 रुपए दे देते हैं यार। दोस्त है मेरा, सबसे प्यारा दोस्त है लालू डॉन, क्योंकि कोई नहीं रहता है तो साथ रहता है हमेशा, हम दोनों ठंडी हो गर्मी हो कोई भी त्योहार हो यही रहना है, तो देते हैं तुम्हारे लिए जान हाजी, कितने पैसे बोलो, लो देते हैं इसको पैसा, 50 रुपया, 50 रुपए मेरे से छीन लिया है अभी ये बंदा, और दे नहीं रहा 50 रुपया। तो कोई पार्सल आया है तो क्या लेके आया है लालू भाई?
दिखाएंगे पार्सल में, और उसके बाद चलते हैं जूस वूस पी के आपको वहाँ जो एग्ज़ाम लोग दे रहे हैं उनका दिखाएंगे, इंटरव्यू लेंगे कैसा कैसा एग्ज़ाम जा रहा है। चलिए फिर देखते पहले कैसा बना है राहुल जी शरबत, क्योंकि अभी बना ही रहे हैं राहुल जी। जूस रेडी हो चुका है, बेल का जूस ये और जस्ट आए मिला दीजिए। देखिए ये आम अभी तोड़ के लाए हैं यहाँ पे, और ये आम है, आम पिसा के मिलाना पड़ेगा या इसको गर्म कर दे सिंचा दें, क्या बोलते हैं? ठीक है, आम का जो जूस रहेगा इस बार बाद में चलेगा आम का जूस, नेक्स्ट वीडियो में आपको देखेगा आम को कैसे, आम बहुत सारा आम है आपका, वो भी वीडियो लाएंगे उसके बाद पीस के कैसे खाते हैं आम को, इसको सिझा के बुतना तो लगा आम हो गया, बहुत सारा गिरा रहता है उसको चुनिए और सिझाइए और पीजिए। तो बेल का रेडी हो गया, गिलास खोजते हैं, गिलास कहाँ मिलेगा, हम तो इसमें पियेंगे भाई। नहीं हमको इसमें दे दीजिए, नहीं नहीं लोटा दीजिए, लोटा में देखिए, लोटा में आज ढहा रहा है, हम लोटा में आधा लोटा हो चुका है मेरा, और दोनों भाई पी के तंदुरुस्त हो जाएंगे। कैसा टेस्ट लगता है? मस्त, मजा आ गया, टीनेस अच्छा लगता है। जैसा कि आज 11 तारीख है, निकल चुके हैं हॉस्टल से, और 11 तारीख है आज, बहुत का एग्ज़ाम है, तो चलते हैं रिव्यू लेते हैं कि कैसा एग्ज़ाम गया। फर्स्ट सेमेस्टर वालों का एग्ज़ाम है 19-21 वालों का, तो पहले चलते हैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, जहाँ पे सब लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ से भी निकलेंगे, तो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट चलते हैं, आपको वहाँ से रिव्यू लेके दिखाते हैं कि आज का एग्ज़ाम कैसा रहा। छात्रों से पूछेंगे, छात्रा से पूछेंगी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है मुझे छात्राएं से पूछना, बट छात्र से कन्फर्म कर पूछते हैं। चलिए जाते हैं डिपार्टमेंट, आपको दिखाते हैं, तो आप सब बने रहिए। पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट पर सबका एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, और यहाँ सब लोग जाते हुए भाई के इसका तो मरण है, साइकिल से जाना जितना कॉम्प्लिकेटेड है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आज जस्ट अभी आए थे, पूछ के लोगों से कैसा एग्ज़ाम जा रहा है, तो लोगों ने बताया बहुत अच्छा एग्ज़ाम जा रहा है, बट आधे दूर से हम वापस आ गए, क्योंकि सोचे कि आगे भी जाएं बीएड, बाकी मेन गेट से ही दो चार लोगों से पूछे, तो उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा एग्ज़ाम जा रहा भैया, और उसके बाद हम पूरा पसीना पसीना, साइकिल जाना धूप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अब सोचे एक बाइक ले लें, और देखिए व्यवस्था कर रहे हैं एक बाइक का, ये पुराना वाना आप सभी के पास जाए, किसी के पास हो स्प्लेंडर तो मुझे कांटेक्ट कीजिए भाई प्लीज़, क्योंकि वीडियो बनाना है और वीडियो तो चलेगा ही, बाइक हो जाएगा तो गर्मी में ये होगा चलो 50 रुपये का पेट्रोल ही चलेगा दिन भर में, जो लोग बुलाएंगे उनके पास जाके तुरंत आ सकते हैं, मेरा टाइम भी बचेगा और सब चीज़ होगा समझे। तो जो भी लोग हैं यानी तो स्प्लेंडर फिर तो नया लेना पड़ेगा, लगभग 1.5 लाख रुपये पड़ जाएगा, उतना किस्ती में लेंगे तो आप सभी के पास, क्योंकि जिस हिसाब से भी सबका मैं रिव्यू लेके आया हूँ उसके हिसाब से सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जा रहा है, किन्हीं का ये क्वेश्चन छूटा है किन्हीं का नहीं छूटा है, एग्ज़ाम थोड़ा सा टाइट हो रहा है समझे, फर्स्ट सेमेस्टर वालों का एग्ज़ाम थोड़ा सा टाइट है, क्योंकि हम सब जब फर्स्ट सेमेस्टर दिए थे तो हम सबका होम सेंटर नहीं था, इस बार सभी का होम सेंटर है, सबसे बड़ी बात यह है, और एग्ज़ाम थोड़ा सा टाइट है, इसलिए हम बोलते हैं आप सभी को फर्स्ट सेमेस्टर तो क्लियर हो जाएगा, सेकेंड सेमेस्टर से कम वीक में क्लास कीजिए 3 क्लास 4 क्लास, आप सब ये मेंटलिटी बांध लीजिए, दिमाग में गा लीजिए कि आने वाला समय में समझे जो आप सोचे वो नहीं होने वाला है, इसलिए आपको बता दें कि क्लास अब से एग्ज़ाम देने के बाद एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा पीजी का सबका, उसके बाद आप क्लास ज्वाइन कीजिए, ऑनलाइन तो ऑनलाइन ऑफलाइन तो ऑफलाइन, जो भी लोग मगध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं मेरी बातों को ध्यान से सुन लीजिए, आप जहां सोच रहे होंगे कि पहले की तरह 80% 90% आ जाएगा तो ये चांस नहीं है, पढ़िएगा तभी आएगा समझे, नोट्स बना के रखना पड़ेगा आपको, अभी हम आपको जो भी बता रहे हैं जो भी स्टूडेंट हैं जहाँ मेरा 3rd का एग्ज़ाम हो रहा है, तो आप कोई भी लोग ये नहीं बोले हैं कि पंकज भैया हम 1st में, मुझे 3rd का जो आज अभी एग्ज़ाम आ रहा है वो दे दीजिए केमिस्ट्री का,
कोई नहीं बोला है, और हम आपसे बोल रहे जो भी लोगों का एग्ज़ाम हो रहा है सभी क्वेश्चन को कलेक्ट करके रखिए, और जितने भी लोग हैं जिनका जिनका एग्ज़ाम है पीडीएफ बना के मुझे क्वेश्चन फॉरवर्ड कीजिए, सभी क्वेश्चन को मैं कलेक्ट करके इंस्टाग्राम पर डाल देता हूँ। ठीक, इससे क्या होगा आने वाला समय में आप सब क्वेश्चन को आराम से इकट्ठा करके कलेक्शन रख सकते हैं, समझे। तो जस्ट यहीं तक, क्योंकि बहुत गर्मी भाई, बाहर निकलना बहुत हार्डनेस है, कैसे आके दो लोग दूर दूर से आके काम करवा रहे हैं भाई, बहुत कठिन है ये, बहुत तगड़ा गर्मी है। ठीक है, यहीं तक हम वीडियो को एंड करते हैं, और अगले वीडियो में आप सब बने रहिएगा। और एक हम चैनल चालू करने वाले हैं पॉडकास्ट का, स्टूडेंट पॉडकास्ट, तो आप सब उस चैनल को बहुत प्यार दीजिएगा बहुत जल्दी चैनल को, उसमें लोगों का इंटरव्यू ला के रखेंगे, और जो भी मगध यूनिवर्सिटी के छात्र हैं सब उसमें आपको दिखेंगे जो जहाँ सिलेक्टेड हुए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, और वीडियो कैसा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेस्ट ऑफ लक।